वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँ। तो आइए, लिविंग डाइनिंग एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है। एज इट इज़ आपको मिलने वाला है, जैसे दिख रहा है वैसे ही आपको मिलेगा। इसके बाद एक डेकोरेट आपको सैम्पल फोटो दिखाऊंगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपको जो भी स्पेस आप सोफ़ा वगैरह रखते हैं एंड बेड वगैरह सेटअप करते हैं तो उसमें कितना स्पेस आपको दिखेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा सैम्पल फ्लैट। पहले एज इट इज़ वाला देख लेते हैं। ये लिविंग डाइनिंग तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बेस्ट होंगे। तो गाइस अभी मैं हूँ सेक्टर 35 सोना, यानी कि साउथ ऑफ गुड़गांव। आपने अभी तक मेरे चैनल पे गुड़गांव की मल्टीपल लोकेशन के वीडियो आपने देखा है, बाकी अभी मैं हूँ साउथ ऑफ गुड़गांव यानी कि सोना। यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ तिरहान ग्रुप का। पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ, यहाँ से मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बिल्कुल पास में अप्रॉक्स 3 मिनट के ड्राइव पे है, जैसा कि आप स्क्रीन पर व्यू देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। बाकी ये वाली लोकेशन आपको सोना गुड़गांव एंड सोना हाईवे है, जो कि सामने बैक साइड में देख रहे हैं। ये इसी के सामने प्रोजेक्ट आता है तिरहान ग्रुप का सेक्टर 35, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ 35 सेक्टर है। यहाँ से पूरी टाउनशिप स्टार्ट हो जाती है। 5.25 एकड़ का लैंड बैंक है। प्लस पॉइंट क्या है यहाँ, जो USP जिसे बोलते हैं इस प्रोजेक्ट की, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एंड बैक हैंड साइड में अरावली की पूरी पहाड़ी व्यू, जैसा कि आप स्क्रीन पर व्यू देख रहे हैं अरावली का। हैबिटेशन बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत प्राइम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं बता दूँ कि आपने गुड़गांव के अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट देखा होगा, जो आपका बजट रेंज 1.5 CR है। आपको रिक्वायरमेंट थी कि 3.5 BHK आपको चाहिए, वो भी लो राइज कॉन्सेप्ट में। वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी, कुछ मिल रही थी तो न्यू गुड़गांव के अंदर मिल रही थी, और उस तरह का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको नहीं मिल रहा था। तो एक गेटेड टाउनशिप है, इस टाउनशिप में सारी चीज़ आपको मिले हैं। तिरहान बिल्डर है, तिरहान का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। तिरहान ने 63 में अपना फ्लोर बनाकर दिया हुआ है, नियर बाई पोजिशन में है। सेक्टर 71 में इनका प्रोजेक्ट है, जो कि प्रॉपरली 25 में पोजिशन है। कुछ इस ईयर के दिसंबर के एंड में इसका पोजिशन मिलने वाला है। तो 35 साउथ ऑफ गुड़गांव यानी कि सोहना जिसे बोलते हैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपको आया हुआ है। 5.25 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें 130 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और एक इसमें प्लॉट आ जाता है 166 स्क्वायर यार्ड का। ये प्लॉट साइज है। बाकी इसमें बता दूं कि एक कार पार्किंग आपको फ्री मिल रहा है। जो कॉन्सेप्ट आपने तिरहान का 61 में देखा हुआ है, इसमें सैम्पल फ्लैट भी आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, आप सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे पूरा, उसका क्या साइज है, क्या एमिनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह का सैम्पल फ्लैट मिलने वाला है, वो सब चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। ये फ्रंट रहा तिरहान का 35 का, इस तरह का फ्रंट है, कुछ एंट्री पॉइंट इस तरह का। आइए मैं आपको पहले अंदर दिखाता हूँ, फिर आगे डिस्कस करता हूँ अंदर में। तो यहाँ से एंट्री पॉइंट है इस पूरी टाउनशिप की, यानी कि गेटेड टाउनशिप है। तो एंट्री पॉइंट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। पोजीशन 25 में फ्लोर भी बन रहा है। अंदर की रोड आपकी 9 मीटर की मिलने वाली है, जो कि इंडोर रोड होती है। सपोज डैट आपने अपने फ्लोर का जो फ्रंट का रोड है वो 9 मीटर की मिलने वाली है। तो आइए अंदर इसकी बारे में पूरे डिटेल में देखते हैं। बाकी यहाँ से इस टाउनशिप में आप एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको दिया है, यहाँ पे गार्ड वगैरह बैठते हैं। एक गेटेड टाउनशिप है उसका तिरहान ग्रुप का, जो कि बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स में ये अपना चीज़ें बनाकर प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने ज़्यादा करके लोडाइज में ही काम किया हुआ है। आप होर्डिंग वगैरह भी देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके बैक साइड में इनका फ्लोर बन रहा है। आपको अरावली व्यू दिखाता हूँ, अरावली की पहाड़ी इसके व्यू में लेफ्ट राइट में कैसे है, तो आइए उसको देखते हैं, फिर वहाँ पे बात करते हैं कि कैसा इसका हैबिटेशन होने वाला है, क्या यूएसपी है एंड क्या पेमेंट कंडीशन है, फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या होने वाला है। आइए देखें, सैंपल फ्लैट भी इसके बाद आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली किस टाइप का सैंपल फ्लैट है, क्या साइज है, क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले आपको अरावली व्यू दिखाता हूँ। ये आपको सामने दिख रहा होगा 35 सेक्टर का, पूरी अरावली की पहाड़ी है। लेफ्ट राइट यानी कि फ्रंट पे नहीं है, बैक साइड में भी अरावली व्यू है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी व्यू देखेगा। बाकी आप प्रॉपर्ली जब विजिट करने आएंगे, प्रॉपर्ली मैं आपको विजिट कराऊंगा या टीम आपके साथ आकर विजिट कराएगी, तो चीज़ें एक एक चीज़ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो यानी कि 5.25 एकड़ में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लोडाइज फ्लोर है, एस्टील प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही अच्छा है। पार्किंग आपको एस्टील प्लस आपको पार्किंग मिल रहे हैं। 4th फ्लोर को टेरिस रूप का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल रहा है। यानी कि मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, जो लोडाइज का मैंने वीडियो क्रिएट किया हूँ, जैसे तिरहान ग्रुप का, उस टाइप का कॉन्सेप्ट है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, पेमेंट प्लान एंड इसका बुकिंग अमाउंट अप्रॉक्स 10 लाख रुपीस है, जो कि 35-65 का पेमेंट प्लान है। इसका कंडीशन क्या होगा, कैसे कैसे पेमेंट जाएंगे, इसके बारे में फुल डिटेल जानने के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी ये पूरी टाउनशिप क्या, ये रहा सामने आपको इसका फ्लोर बन रहा है। ये रोड कनेक्टिविटी है, एंट्री पॉइंट है, इंडोर की पूरी टाउनशिप में काम भी चले हैं। ये
बाकी इसके बारे में बता दूँ कि सामने मेरे इसका पूरा कॉस्टिंग है, पेमेंट प्लान वगैरह है। ये आपको चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी इसका ब्राउज़र हो, फ्लोर प्लान हो, क्या साइज है, क्या इसमें क्रेस मोमेंट दे रहे हैं, किस टाइप का कंडीशन है, एंड 35 में, यानी कि बहुत सारे बायर को पता नहीं होता है कि साउथ ऑफ गुड़गांव है कहाँ पे। बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको पता है वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो साइड ऑफिस आ सकते हैं, नहीं तो मेरे ऑफिस भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आइए आपको पहले अब इसके बाद सैम्पल फ्लैट दिखाता हूँ, आइए सैम्पल फ्लैट का टूर। तो ऑलराइट गाइस, मैं आ गया हूँ सैम्पल फ्लैट में, आइए आपको सैम्पल फ्लैट दिखाता हूँ, क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो बेडरूम देख सकते हैं, बेडरूम का क्या साइज होगा, क्या इसकी चौड़ाई है, क्या इसकी लंबाई आएगी, वो सब चीज़ हम लोग ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे। ब्राउज़र मेरे हैंड में है, इसको आप चाहें तो व्हाट्सअप पे मंगा कर देख सकते हैं या साइड विजिट के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ बालकनी भी आप देख सकते हैं, रनिंग बालकनी है, काफ़ी वाइड बालकनी है, एंड इसके साथ एक वॉशरूम भी है। जो भी इसमें वॉशरूम में दिख रहा है वो एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। तो बालकनी भी काफ़ी चौड़ी है, इसके साथ वॉशरूम आप देख सकते हैं एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ब्रिक एंड माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो लिविंग डाइनिंग के साथ एक बेडरूम है, किचन भी आपको मिल जाएगा, लेआउट्स इसका बहुत ही फ्लैक्सीबल है। तो छोटे साइज के प्लॉट्स हैं, जैसे वीडियो में आपने देखा क्या क्या साइज होगा, तो सैंपल है। यहाँ से आप दिखाता हूँ, ये कॉमन वॉशरूम है, इस सामने आपको देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम, जो भी आपको दिख रहा है एज इट इज़ मिलने वाला है। उसके बाद इसमें एक और रूम आपको दिखा देता हूँ, या बेडरूम आप देख सकते हैं, इसका भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, जो भी आपको दिख रहा है एज इट इज़ मिलने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके साथ भी वॉशरूम का एक एक्सेस है, यानी कि कॉमन वॉशरूम है। फिनिशिंग भी इसका देख ले आप, काफ़ी अच्छा है, एंड फ्लोरिंग भी आप देख लें काफ़ी बेहतर मिल रहा है, जो कि तिरहान ने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। इसके साथ बालकनी को थोड़ा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप बालकनी देख सकते हैं, वाइट बालकनी है, उस वाले रूम से आपको बालकनी दिखाता हूँ। तो आइए दूसरा रूम आपको, तीसरा रूम दिखाते हैं। ये 3 नंबर बेडरूम है, यानी कि 3.5 बीएचके का ये सैम्पल फ्लैट है। बेसमेंट पर भी एक ऑफिस स्पेस मिल रहा है, जिसको आप ऑफिस भी यूज कर सकते हैं, जिम कुछ भी ओपन कर सकते हैं, आपका स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। ये जो भी आप दिख रहा है एज इट इज़ मिलने वाला है, साइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग मोड भी काफ़ी बेहतर है, लोकेशन भी काफ़ी बेहतर है, सोना सेक्टर 35 में। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो डेकोरेट सैम्पल फ्लैट है, उसको एक बार आप देख ले, रूम साइज, वॉशरूम साइज, आपको आइडिया लग जाएगा कि डेकोरेट जब करने के बाद आपका कितना स्पेस बचता है। तो आइए दिखाते हैं, ये रहा इसका लिविंग डाइनिंग का स्पेस, जो कि सारा चीज़ डेकोरेट है। एज ए बायर आप बाय करेंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ डेकोरेट करके आप चीज़ को देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिलता है। लिविंग डाइनिंग का स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका क्या साइज होगा उसके लिए हम लोग ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे, आप वॉली फॉर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हैशटैग तिरहान सेक्टर 35 सोना लिखकर आप व्हाट्सअप कर दें, टीम आपसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो आइए एक और रूम आपको दिखाता हूँ जो डेकोरेट है। तो यहाँ से आप रूम देख सकते हैं, इसमें भी बेड वगैरह भी लगा हुआ है, एंड जो भी इसमें डेकोरेशन किया हुआ है मूवेबल चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है, जैसे बेडरूम वगैरह हुआ एंड साइड में जो भी चीज़ है वो आपको नहीं मिलेगा, टीवी वगैरह नहीं मिलेगा, यानी कि जो एज इट इज़ आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया हूँ इसके पहले वाला वो आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, स्पेस भी काफ़ी बेहतर है। इसके साथ आप वॉशरूम भी देख ले, ये भी पूरा डेकोरेट है, जो कि अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ एक बालकनी भी आपको मिलने वाली है, तो एक बार बालकनी का भी थोड़ा व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की बालकनी होने वाली है। फिर आते हैं, यहाँ से आपको दिखाता हूँ एक और जो कॉमन वॉशरूम है उसका व्यू। तो ये रहा इसका कॉमन वॉशरूम का व्यू, एंड आप देख सकते हैं डेकोरेट है। इसका भी एक्सेस अगर देखें इस वॉशरूम का, इस वाले रूम से भी है, यानी कि कॉमन ही है। तो इसमें भी आप डेकोरेट किया हुआ है, सभी चीज़ सेटअप है। ये आपको 179 स्क्वायर यार्ड का जो सैम्पल फ्लैट है वो है। इसमें थोड़ा बहुत का साइज का डिफरेंट आता है, जो सोना में है उसका साइज अलग अलग है। बाकी तिरहान ने अलग अलग लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, उस सब चीज़ के लिए हम लोग ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे। तो ये रूम साइज भी आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ सेटअप वगैरह है। उसके बाद आता हूँ एक और बेडरूम आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ से आइए एक बेडरूम और दिखाता हूँ। ये वाला आप बेडरूम देख लें, काफ़ी बढ़िया स्पेस है, काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माइंड ब्लोइंग है। इसमें आप अंदर आते हैं इस वॉशरूम में, तो अंदर का आप स्पेस देखें एज इट इज़ मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेट है। आप काफ़ी बड़ा स्पेस है, ड्रेसिंग एरिया भी अलग से दिया हुआ है। इधर राइट में आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। बाकी रूम साइज आप देख लें, काफ़ी जो मेन जो साइज होता है, कंफर्ट जो साइज होता है, जो एज ए बायर आप लोग ढूंढते हैं, वो चीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ भी एक बालकनी है, बालकनी का भी थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ। ये बालकनी है, रनिंग बालकनी है, काफ़ी बड़ी एंड वाइड बालकनी मिलने वाली है। साइज़ देखें, एमिनिटीज़ देखें, उसके बाद आइए आपको किचन स्पेस दिखाता हूँ। किचन एरिया के साथ भी एक बालकनी वाइड है। ये जो भी चीज़ आपको दिख रहा है एज इट इज़ मिलने वाला है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो पेमेंट प्लान के लिए, पेमेंट प्लान काफ़ी फ्लेक्सिबल है, वो हम वीडियो में इसके पहले रिवील कर चुका हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं 24/7 एंड या व्हाट्सअप कर सकते हैं, टीम आपसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो आइए ये स्पेस आप देख लें, बालकनी का रनिंग बालकनी है, यहाँ से डायरेक्ट काफ़ी वाइड बालकनी है। तो ये रहा पूरा डेकोरेट जो सैम्पल फ्लैट है। आपने सैम्पल फ्लैट भी देख लिया, पूरा प्रोजेक्ट भी देख लिया, ओवरव्यू, लेआउट्स, फ्लोर प्लान, साइज, एमिनिटीज़, तो काफ़ी बढ़िया आपको चीज़ें मिल रही है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो पेमेंट प्लान के रिगार्डिंग, फ्लोर प्लान के रिगार्डिंग, साइज के रिगार्डिंग, बिल्डर के रिगार्डिंग, बाकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट में क्या ओवरव्यू है, बिल्डर कितना प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ, नहीं किया हुआ, फ्यूचर में किसका कितना इसका फ्यूचर अप्रिसिएशन है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं विजिट करने वहाँ पे, या मेरे साथ आप साइट विजिट कर सकते हैं, प्रॉपरली आपको मैं ब्रीफ करके दिखाऊंगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।